पंजाब के 8 शहरों में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज पाबंदी का इतलाक जुमेरात 10 अक्टूबर से हफ्ता 12 अक्टूबर तक होगा। शहरों में मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा, गुजरांवाला, विहाड़ी, पाकपतन, ओकाड़ा और वजीराबाद शामिल। सियासी इज्तमा, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज और दीगर सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी को भी लाहौर समेत पंजाब में तरक्याती स्कीमों का कोटा मिल गया। पंजाब हुकूमत ने 3212 नई तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी। नई तरक्याती स्कीमों के लिए 77 अरब रुपए का फंड्स भी मंजूर कर लिया गया। लाहौर डिवीजन 308 तरक्याती स्कीमों के लिए 6 अरब 87 करोड़ रुपए मिलेंगे। फंड से सड़कों की तामीर और मरम्मत, ड्रेनेज, सैनिटेशन, स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का काम होगा। पीपल्स पार्टी नू लीगी मेंबरान ने असम्बली की सिफारिशात करदा तरक्याती स्कीमें तरक्याती बजट में शामिल। मुशाहिद है, लेकिन इसका फौरी इंपैक्ट अगले महीने के, अब जो कमिंग मंथ आ रहा है, उसके बिल में आना चाहिए। और हमारी एहतियाती तहरीक जारी है। हम इस प्रेशर को, जो आवाम का दबाव है, ये हुक्मरानों पर डाले रखेंगे ताकि लोगों को मुकम्मल रिलीफ मिले। छोटे किसान के ऊपर सारी बुराई डाल दी जाती है, तो इसलिए जागीरदारों पर टैक्स लगाएं और तनख्वाहदार लोगों का, जो ये इस साल का खास तौर पर जालिमाना टैक्स में इजाफा था इस पूरे टैरिफ का, उसको वापस लेना चाहिए। हुकूमत का 5 आईपीपी से मुआहदे मंसूख करना खुश आइंद है। अवाम को मुआहदे मंसूख होने का रिलीफ फौरी मिलना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अवाम के लिए जागीरदारों को कुर्बानी देना होगी। गैस और बिजली के बिलों पर फिक्स टैक्सेस को खत्म करना चाहिए। मुल्की मायशत तोड़ने वालों को सामने लाना चाहिए। एक दूसरे को नवाजने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। हमारी एहतजाजी तहरीक जारी है, हुकूमत पर प्रेशर बरकरार रखेंगे। अवामी खिदमात की फराहमी के लिए मरियम की दस्तक प्रोग्राम कामयाबी से जारी। दस्तक मोबाइल ऐप के डाउनलोडर्स 1.5 लाख से तजावुज कर गए हैं। मरियम की दस्तक के तहत अवाम घर बैठे 60 से ज़ायद सरकारी खिदमात से मुस्तफीद हो रहे हैं। चेयरमैन PRITB फैसल यूसुफ कहते हैं, सिर्फ 3 माह में मनसूबे का दायरेकार 11 अजला तक वसी किया है। खिदमात की दरख्वास्त मोबाइल ऐप या 1202 हेल्पलाइन के जरिए दी जा सकती है। वज़ीर-ए-आला पंजाब से फलाही इदारे की 36 तालिबात पर मुश्तमिल वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज का स्पेशल तालिबात से इजहार शफकत। तालिबात ने मरियम नवाज को चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया। गर्ल्स स्कूलों में हिरासानी के सदबाब के लिए कमेटियां बनाने का उसूली फैसला। सूबे के स्कूलों में गर्ल्स का आलमी दिन मनाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आला का तालिबात की ख्वाहिश पर टैब और ई बाइक्स देने का भी ऐलान। बोली, तलबा के लिए स्कॉलरशिप, लैपटॉप, ई बाइक्स समेत दीगर प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सऊदी अरब के तजारती वफ्द की पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम। बोली, सऊदी अरब हर पाकिस्तानी के दिल में बसता है। पाक सऊदी तालुकात कुर्बत की बुलंदियों को छू रहे हैं। नून लीग की क्यादत का अज़्म है कि पाकिस्तान को सरमायाकारों के लिए पुरकशिश बनाएंगे। सऊदी सरमायाकारी के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुनाफा बख्श मौके मौजूद हैं। एनर्जी, सनत, सियाहत और टेक्सटाइल में सऊदी सरमायाकारों की मामलत करेंगे। तहरीक इंसाफ जदीद माली बहरान का शिकार। PTI के पास एक जलसे के लिए भी फंड्स नहीं हैं। ज़राए के मुताबिक कायम मकाम सदर पंजाब हमाद अजहर के अराकीन असम्बली से फंड्स की डिमांड। चंद MPAs के अलावा ताहाल किसी ने फंड्स जारी नहीं करवाए। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर रेलवे मुलाजमीन सड़कों पर। मुलाजमीन का DS लाहौर ऑफिस के सामने एहतजाज, धरना दे दिया। मुजाहिरीन के मुताबिक हज़ारों मुलाजमतें को गुज़श्ता माह की तनख्वाहें ताहाल अदा नहीं की गईं। तनख्वाहें न मिलने के बायस बच्चों के स्कूल के फीस और बिल अदा करना मुश्किल हो गया है। कौम के मेवारों को एहतजाज महंगा पड़ गया। एजुकेशन अथॉरिटी ने टीचर्स रहनुमाओं को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। ग्रैंड टीचर्स अलायंस के रहनुमाओं को नौकरी से फारिग करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया।
टीचर्स रहनुमा राना लियाकत काशिफ शहजाद और मोहम्मद मुदस्सिर को नौकरी से फारिग किया गया है। टीचर्स ने महकमा स्कूल एजुकेशन की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया था। टीचर कम्युनिटी की फैसले की मजम्मत मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाजी तहरीक जारी रखने का ऐलान। पंजाब यूनिवर्सिटी के तुलबा फीसों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज। तुलबा ने यूनिवर्सिटी का गेट बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि फीसों में अचानक कई गुना इजाफा कर दिया गया। फीसों में इजाफा जालिमाना इकदाम है, फीसों में इजाफा फौरन वापस लिया जाए। हुकूमत का नाबीना अफराद के साथ मुआहिदा तय पा गया। अगर मुतालिबात ना माने तो नाबीना अफराद दोबारा हाईकोर्ट आ सकते हैं। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ने मुआहदे की कॉपी हाईकोर्ट में पेश कर दी। अदालत ने नाबीना अफराद के मुतालबात की मंजूरी की दरख्वास्त सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर की रिपोर्ट पर निपटा दी। जस्टिस विसाल हसन सैयद ने नाबीना अफराद की दरख्वास्त पर समाअत की। सूबाई वजीर चौधरी शाफी की ज़ेर सदारत पंजाब सरमायाकारी बोर्ड का इजलास। पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी और पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल। चौधरी शाफी बोले, मायारी फनी तालीम का फरोग मेरा अज़्म है। आलमी मार्केट में हुनरमंदी इफरादी कुव्वत की डिमांड पूरी करने के लिए टेक्निकल एजुकेशन के मायार को बेहतर बना रहे हैं। गुज़श्ता 6 माह में मायारी फनी तालीम के फरोग के लिए बेमिसाल इकदाम किए गए हैं। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियाँ की ज़ेर सदारत पंजाब के 21 अजला की मास्टर प्लानिंग बारे इजलास। मुतल्लिका अजला के डेप्टी कमिश्नर्स और म्यूनसिपल ऑफिसर्स प्लानिंग की बजरिया जूम लिंक शिरकत। सेक्रेटरी बल्दियात के 25 अक्टूबर तक तमाम अजला को साइट डेवलपमेंट जोन प्लानर शेयर करने की हिदायत। बोले, लैंड यूज प्लानर की मंजूरी का अमल मुकर्रा टाइमलाइन के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। लैंड यूज प्लानर की तैयारी में तमाम स्टेक होल्डर्स की तजावीज शामिल की जाए। सूबाई वजीर बल्दियात ज़ेशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम और आउटसोर्सिंग का जायजा। CEOs को हर तहसील में कायम सुपरवाइजरी कमेटी का इजलास बुलाने की हिदायत। सूबाई वजीर ज़ेशान रफ़ी का कहना है कि लाहौर में राज सफाई का मॉडल दीगर इलाकों तक फैलाया जाएगा। LGA एवेन्यू स्कीम के 2 ब्लॉक्स में अलौटियों को कब्जा देने का मामला अल्तवा का शिकार। LGA के शोबा इंजीनियरिंग ने भी एवेन्यू 1 स्कीम में काम की रफ्तार को सुस्त कर दिया। एवेन्यू 1 में के और एल ब्लॉक का कब्जा मुसलसल अल्तवा का शिकार है। कई दहाइयों से तनाजियात का शिकार एवेन्यू 1 के 2 ब्लॉक्स के अलौटियों का कब्जा न मिल सका। डेप्टी कमिश्नर शहर को क्लीन रखने के मिशन पर गामजन। सैयद मूसा रजा का तहसील सदर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, सफाई सुथराई और डेंगू इकदामात का जायजा लिया। बोले, MCL, LGA और PSA शहर की खूबसूरती बहाल करने के लिए अमली इकदाम उठाएं। तमाम अफसरान काम को अव्वलीन तरजीह दें। फुटपाथ पर सफाई के इंतजाम बेहतरीन होने चाहिए। शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए PSA सड़क किनारे और एतराफ में पौधे लगाए। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में लाहौर यूथ फेस्टिवल की तकरीब। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। ख्वाजा सलमान रफीक बोले, नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं और उन्होंने कल को पाकिस्तान की भाग दौड़ संभालनी है। दुआ है कि हमारे नौजवान पाकिस्तान के लिए इज्जत का बायस बने। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की ज़ेर क़यादत पहली मरतबा मेंटल हेल्थ डे की तकरीब। बच्चों के माबेन मेंटल हेल्थ के मौजू पर पेंटिंग का मुकाबला हुआ। बच्चों ने मेंटल हेल्थ डे की मुनासबत से ड्रामा परफॉर्मेंस भी पेश किया। सारा अहमद कहती हैं कि बच्चों का मजबूत जहन और सेहतमंद ज़िंदगी हमारी अव्वलीन तरजीह है। बच्चों की ज़हनी सेहत का ख्याल रखने से उनकी बेहतर नशोनुमा मुमकिन है। बच्चों की ज़हनी सेहत को मजबूत बनाकर उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सकता है।